बिहार पुलिस ने हथियार और असमय के साथ 5 अपराधी को गिरफ्तार किया। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नगर थाना क्षेत्र से 2 देसी कट्टा, 2 कारतूस, 30 ग्राम असमय को लूट के सामान के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पुष्टि सीतामढ़ी के सदर SDPO श्री राम कृष्णा ने किया है। 27-28 की रात्रि में कुछ अपराधी जो हैं, जो आदतन अपराधी हैं, क्योंकि इन सभी का पूर्व से काफी ज्यादा आपराधिक इतिहास भी रहा है, वो लोग एकत्रित होकर और एक के बाद बैक टू बैक 2 घटना को अंजाम दी, जिसमें कि पुनौरा में, पुनौरा थाना अंतर्गत खड़का के इलाके में इन्होंने पहले तो 2 मोबाइल छीना चाकू इत्यादि का भय दिखाकर और कट्टे का भय दिखाकर। पुनः उसके बाद जो है ये लोग जानकी स्थान जो पोखर है उसके बगल में भी एक ई रिक्शा को रोके और उसमें एक जो सवारी थे इन लोगों को देर रात्रि में इन्होंने उनका लैपटॉप और कुछ पैसे इत्यादि छीनने का ये जो घटना को अंजाम दिया। दोनों ही संदर्भ में क्रमशः पुनौरा एवं टाउन थाना में कांड दर्ज हुआ है। इसके उपरांत हम लोग इसके उद्भेदन में लगे हुए थे, तभी मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के संकलन के आधार पर ऐसा पता चला कि कुछ अपराधी जो हैं वो पुनः रिंगबांध इलाके में एकत्रित हुए हैं, जहां पर थानाध्यक्ष जो है टाउन थाना के विनय प्रताप सिंह वो अपनी दलबल के साथ वहां पर घेराबंदी करके उन लोगों को पकड़ने में सफल रहे। उन लोगों को पकड़ने के उपरांत उनकी विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें जो इन्होंने घटना को अंजाम दिया था उसमें भी प्रयुक्त जो चाकू और देसी लोडेड कट्टा था वो सब उनके साथ पाया गया। साथ ही उनसे पूछताछ इत्यादि करने के उपरांत उनके कन्फेशन के आधार पर फिर जो हमने रिकवरी की है उसमें जो भी लूट की सामान थी इन सभी कांडों में मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर इत्यादि सभी कुछ बरामद हुआ। इन जो थे उनसे कुछ पुड़िया स्नैक जैसा प्रतीत होता, ब्राउन शुगर जैसा प्रतीत होता सब्सटेंस भी प्राप्त किया गया है। ये जो है इस कड़ी में करीब 48 घंटे के अंदर इन सभी लोगों को हम लोगों ने पकड़कर और इनकी सही ठिकाने पे हमने पहुंचा रहे हैं। साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि जितना भी ऐसा जो घटना किया जा रहा था इनके द्वारा, इनका बहुत ही एक्टिव गिरोह है। इन सभी लोगों का काफी स्ट्रांग जो है रिकॉर्ड रहा है, पूर्व में भी इनका लूट, छिनतई इत्यादि के कांडों में ये लोग संलिप्त रहे हैं। इनका ये गिरोह की तरह से ऑपरेट करते हैं और काफी बार सभी जेल भी जा चुके हैं और ये लोग जो है रिंग बांध का जो एरिया है टाउन इलाके में, रिंग बांध, रीगा रोड इत्यादि इन सभी क्षेत्रों में इनका खास वर्चस्व रहता है। अगर ये ऐसी टाइप की घटनाओं को अंजाम देते हैं, इसमें जो भी लोग शामिल थे टाउन थाना इत्यादि के सभी जो अन्य पुलिसकर्मी हैं उदय और मुकेश, इनके साथ साथ जो दलबल है सभी लोगों को पुलिस अधीक्षक महोदय के पास कुछ सुसेवाओं के अन्य जो उचित पुरस्कार पुरस्कृत करने हेतु उन लोगों को प्रस्ताव भी बढ़ाया गया।